नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल वेट केयर शक्तिराज सिंह पे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि मैं पिछले कई समय से पशुओं का इलाज कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा हमारे डॉग लवर्स के लिए कि उनके डॉग को लगातार अगर दस्त हो रही है एवं साथ में वोमिटिंग भी हो रही है तो उसका वह ट्रीटमेंट कैसे करें। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसमें एक सिरप बताऊँगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं करता, बस आपको इससे बेनिफिट हो इसलिए उस दवा का नाम आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं पहले बता दूँ कि मैंने अपने YouTube चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो बना रखे हैं, जैसे लेब्राडोर की पहचान कैसे करें, जर्मन शेफर्ड की पहचान कैसे करें, डॉग को वैक्सीनेशन कब लगवाएं, एवं डॉग के वोमिटिंग से संबंधित एवं डीवॉर्मिंग से संबंधित ऐसे कई सारे वीडियो बना रखे हैं, जिससे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आप वह वीडियो भी जाकर देखिए एवं अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम आते हैं दोस्तों, अगर हमारे डॉग को लगातार दस्त हो रही है और साथ में वोमिटिंग भी हो रही है एवं सुस्त होकर बैठा है, कुछ खा पी नहीं रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करें। देखिए दोस्तों, आपको वेटनरी मेडिकल पर जाकर इंटास कंपनी की जाइमोपेट सिरप लेके आना है, जो 30 ml का आता है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, उसे लेकर आकर हमारे डॉग को देना है। देना कैसे है दोस्तों, आपको अपने डॉग को वजन के हिसाब से देना है। अगर आपके डॉग का वज़न 5 kg का है, अगर आपके डॉग का वज़न, तो आपको देना है 0.5 से 1 ml, ये ड्रॉप अपने डॉग को पिलाना है। दूसरे नंबर पे, अगर आपके डॉग का वज़न 10 kg है, तो आपको 1 ml से 1.5 ml इतना अपने डॉग को पिलाना है। देखिए दोस्तों, आपको ऐसे ही अपने डॉग को लगातार 3 से 4 दिन तक पिलाना है। अगर फिर भी आपके डॉग को आराम नहीं मिलता है, तो दोस्तों आप जल्द ही किसी वेटनरी डॉक्टर के माध्यम से अपने डॉग का ट्रीटमेंट जरूर करवाएं, क्योंकि दोस्तों लगातार दस्त होना और साथ में वोमिटिंग करना पार्वो वायरस जैसी बीमारी की भी आशंका हो सकती है। इसलिए दोस्तों, हमारे डॉग को जल्द से जल्द किसी वेटनरी डॉक्टर के माध्यम से ही उसका ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि 2 से 3 दिनों में अगर आराम नहीं मिलता है तो हमें ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो आप अपने चैनल वेट केयर शक्तिराज सिंह को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एवं वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।